नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, वीडियो में हम लोग इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे नॉर्दर्न स्ट्राइकर्स वर्सेस सेंट्रल स्मैशर्स के बीच जो होगा दोस्तों एमसीए टी20 सुपर सीरीज का आज का दिन का दोस्तों सेकेंड मैच। 12:15 में ये मैच इंडियन टाइम स्टार्ट होगा। इन डेप्थ दोनों टीम के बारे में एनालिसिस करेंगे। मलेशिया में रेन थोड़ा सा प्रॉब्लम हमेशा करता है, ये ना आपको मैं मैच टाइम पे या फिर उसका आधी घंटा पहले कंफर्म बता पाऊंगा वहाँ पे हालत कैसा है। अक्सर ऐसा भी होता है, और अभी जो सच बात बोलूँ दोस्तों, मुझे ना गूगल रिपोर्ट में ट्रस्ट ही नहीं है वेदर का, बट स्टिल वही हम लोग के पास एक सोर्स होगा मैच टाइम में वेदर जानने का, वो आपको आफ्टर टॉस में अपडेट कर दूंगा या फिर मैच स्टार्ट होने से 10-15 मिनट पहले, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग जानते हैं दोस्तों, दोनों टीम में लास्ट ईयर जो एमसीए टी20 सुपर सीरीज फेस 1 करेंटली चल रहा है, ये सेकेंड एडिशन है, मतलब फर्स्ट एडिशन हो गया होगा। फर्स्ट एडिशन में अगर आप देखोगे दोस्तों, जो टीम्स थे उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस है, ठीक है। तो पास्ट रिकॉर्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे थोड़े से करेंट स्टैट समझना, प्लस दोस्तों प्लेयर्स क्या कुछ कर सकते हैं इनके दोस्तों डोमेस्टिक ओवरऑल के रिकॉर्ड से समझना। तो ध्यान से गाइस वीडियो अंत तक देखना, पसंद आए तो लाइक करना गाइस। आप अगर चैनल में न्यू हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो, फटाफट से दोस्तों चैनल को करो सब्सक्राइब एंड ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम, क्योंकि जो अपडेट जो डेमो टीम्स होते हैं ना दोस्तों, वो मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर पाऊंगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में जो लिंक है, लिंक में प्रेस करो और रिडायरेक्ट हो जाओ टेलीग्राम चैनल। फटाफट आते हैं एनालिसिस पॉइंट में, ये मैच कहाँ पे होगा। पूरा टूर्नामेंट सेम ग्राउंड यूज़ हो रहा है जहाँ पे 140-150 एवरेज स्कोर है। अपना मुझे 150 थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। एक आधा बैटर है जिनके इर्द गिर्द टीम रन बनाएंगे तो शायद बने, बट स्टिल आई बिलीव कि ये मुश्किल स्कोर है, नहीं होना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों, ठीक है। 12:15 में स्टार्ट होगा। CSK प्लेयर्स देखते हैं ना, आइनुल हफीज़ शायद ओपन करेंगे हसन मसूद के साथ। इस मैच में आइनुल हफीज़ एज विकी में सब लेंगे, मैं भी लूँगा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन रेस नहीं होगा। ये जो हसन मसूद है ना, ये डिफेंशियल है, क्यों है मैं नीचे रिकॉर्ड बताऊंगा। अहमद फेस इसको रखना है, इंटरनेशनल प्लेयर है। असलम खान मलिक डिसेंट है, अमर खान है, ऐसा कुछ होगा इनका फिर बैटिंग ऑर्डर, ठीक है। अब थोड़े से एनालिसिस हम लोग पहले कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आइनुल हफीज़ विकी में बेस्ट पिक मुझे दिखा है, 127 मैच में 21 का एवरेज है, 1790 रन है। इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक्सपीरियंस है बड़े लेवल में खेलने में, तो अभी के लिए सेफेस्ट प्लेयर है दोस्तों। T20 भी डेब्यू हो चुका है, अच्छा नहीं खेला है, अच्छा शायद यहाँ पे भी ना खेले, बट कंपेयर टू एनी अदर्स थोड़े से सेफ है। अमर जुईदी 130 मैच में बाद 21 के एवरेज से 1400 रन है, उसका 1700 है, इसका 1400 है। फिलहाल मैं इसको इग्नोर करूंगा, रिसेंट फॉर्म भी उतना खास नहीं है। रिसेंट फॉर्म मतलब रिसेंट फॉर्म में जो आपको मैचेस दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली सिंपल बात है, जो मैचेस हम लोग ने फैन कोड में खेला और सीनियर लेवल में हुआ है, जो फैन कोड में हुआ है अपर डिवीजन वगैरह में, उसका रिकॉर्ड है। तो रिसेंट लास्ट 5 मैच का रिकॉर्ड चाहो तो रिव्यू कर सकते हो, मतलब नहीं बनता इस प्लेयर को रखना। मुनीब को भी मैं नहीं रुकूंगा, 2 मैच में 23 है, स्टार्टिंग है करियर का, अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, बाद में अगर अच्छा खेलेगा तो शायद मैं ले लूँ। अहमद फैज़ मस्ट भी बंदा बनता है दोस्तों, इंटरनेशनल प्लेयर है, 105 बना के आ रहा है मलेशिया के लिए, इंपॉर्टेंट है। पार्ट टाइम बॉलिंग करता है, मेन बॉलर नहीं है, बट अच्छा बैटर है, स्पेशली देखो ना बैट फर्स्ट कैप भी बना सकते हो। थोड़ा सा प्योर बैटर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन सच बताऊँ तो दोस्तों बनाने से ना मुझे डर लगता है, बट आप जरूर बना सकते हो, नॉट अ बैड चॉइस। असलम खान मलिक 76 मैच में 224 के एवरेज से 1200 रन बनाया, मिडल ऑर्डर बैटर है, फिलहाल मैं इग्नोर करूंगा, रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। T20 डेब्यू हो चुका है दोस्तों, ये टॉप में भी खेल सकता है, ठीक है, मतलब ओपन भी करा सकता है। हाजिक अहमान T20 में 66 मैच में 706 रन, 24 ओवर 8 विकेट, मतलब ही नहीं बनता लेने का, ठीक है। अब ये दो रिकॉर्ड मिला इनका, क्योंकि ना इनके नाम से ना दो रिकॉर्ड दो प्लेयर थे, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इनके लिए, कन्फ्यूज हूँ मैं, बट दोनों मुझे उतना खास लगा नहीं। हसन मसूद ये बंदा मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 12 मैच में 227 रन, 7 ओवर में 5 विकेट है दोस्तों हसन मसूद का, ठीक है। ये बंदा डिफेंशियल है, थोड़े से पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकते हैं, बट ये ना टॉप में खेलता है और हार्ड हिटर प्लेयर है। T10 में 221 12 बना के आ रहा है, जिसने कुछ दिन पहले MCA T10 बैच वगैरह हुआ था ना उसका रिकॉर्ड। यासीन उल्ला इसमें ना, अब देखो यासीन उल्ला ने रिसेंटली MCA ट्राई सीरीज हुआ था, उसमें यासीन उल्ला ने अच्छा बैटिंग किया था, ठीक है, ज़्यादा बड़ा सीरीज नहीं था, तो मैं उसको एकदम मेरिट पॉइंट नहीं मान सकता हूँ। 3 मैच में 115 रन था, 129 का स्ट्राइक रेट से। तो दोस्तों यासीन उल्ला को ग्रैंड लीग में बैट फर्स्ट ट्राई करना है तो करो। रिसेंटली देखो SSF T20 33-30-52 रन भी है इनका, ये डिफेंशियल पिक आपके लिए बन सकता है दोस्तों। MCA ट्राई सीरीज शायद ऐड नहीं हुआ होगा, ये उससे पहले SSF T20 वगैरह, ठीक है। कुछ भी मतलब इस मैच के रिलेटेड अगर मेरे से मिस होता है कवरेज, क्योंकि देखो मलेशिया में ना बहुत ज़्यादा मैचेस होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों मलेशिया में बहुत ज़्यादा मैचेस होते हैं, तो यहाँ पे ना होते रहते हैं, जैसे कि ये हो गया एक एरिया, फिर दोस्तों आपको दिखेगा कहाँ पे, दोस्तों दिखेगा आपको ना, दिखेगा जो
यूएई में दोस्तों बहुत ज़्यादा मैचेस होते हैं, तो इनमें ना मैचेस होते रहते हैं, हद से ज़्यादा मैचेस होते रहते हैं। और रिसेंटली दोस्तों इनका फॉर्म भी डिसेंट है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो यासिनुल्ला को, नॉट अ बैड चॉइस। यहाँ पे भी रिकॉर्ड लास्ट 3 मैच में भी डिसेंट दिख रहा है, बैट फर्स्ट हुआ तो बेटर ऑप्शन रहेगा ज़्यादा। लुकमान नूर हकीम सहार दोस्तों ये टॉप में भी बैटिंग करेगा यासिनुल्ला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, यासिनुल्ला आपको टॉप 4 में बैटिंग करते हुए दिखे तो असलम खान नीचे आ जाएगा, यासिन आपको 2 डाउन खेलते हुए दिख सकता है, या फिर यासिन अगर ओपन आ गया दोस्तों तो ऐनुल हफीज़ मिडल ऑर्डर में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं अगले ऑप्शन में कौन है दोस्तों, हमारे पास है लोकमान नूर हकीम सहार, 71 मैच में 19 के एवरेज से दोस्तों 636 रन, 104 ओवर में 39 विकेट। देखो मस्ट विक प्लेयर नहीं है, रिसेंट फॉर्म में 1 मैच में 2 विकेट, 1 मैच में 1 विकेट है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, मस्ट विक प्लेयर नहीं है। मोहम्मद ये ऑलराउंडर सेक्शन में अंदर शायद कैप्टन बनाएंगे, बट मैं शायद इनको मस्ट विक प्लेयर नहीं मानता हूँ, ग्रैंड लीग में बिंदास रोटेट। मोहम्मद अजहरी अजहर 33 मैच में केवल 54 ओवर है, रिसेंटली अंडर 19 में नंबर ऑफ ओवर्स इनका ज़्यादा है, बट सीनियर लेवल में नंबर वो बस थोड़े से कम है। मोहम्मद गुलरेज देखोगे तो 42 मैच में 883 रन, ये बैटिंग से थोड़े से ज़्यादा बेटर है और ये भी टॉप ऑर्डर में खेलने में दोस्तों सक्षम है, 92 ओवर 18 विकेट, नॉट अ बैड चॉइस, चाहो तो यूज़ कर सकते हो, थोड़े से विकेटिंग एबिलिटी कम है बट ये भी टॉप में खिला सकता है मोहम्मद गुलरेज, ठीक है। ये मिडल ऑर्डर टू टॉप ऑर्डर कहीं पर भी फिट हो जाते हैं। अयमन जकवान देखो 54 T20 मैच, 607 रन, 86 ओवर में 36 विकेट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, रिसेंटली MAS T20 में 16, मलेशिया T20 में दोस्तों 16 रन, 2 विकेट, 8 रन 1 विकेट, बॉलिंग करते हैं बट पार्ट टाइमर है, हर मैच में बॉलिंग नहीं करते हैं। 86 ओवर है 54 मैच के बाद, जो बहुत कम है। आरिफुल्ला 20 मैच के बाद 52 ओवर है बट केवल 11 विकेट, बॉल फर्स्ट ट्राई करना है तो करो, अगर डेथ में करेंगे तो विकेट मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। रिसेंट परफॉर्मेंस बॉलिंग से आउट ऑफ 5 मैच सिर्फ 1 बार विकेट मिला। शाहुल हमीद साहिब दोस्तों 6 मैच में 29 रन, 16 ओवर, 8 विकेट, लेग स्पिन बॉलर है, चाहो तो यूज़ कर सकते हो। लेग स्पिनर अक्सर क्या करते हैं दोस्तों, गुच्छे में विकेट निकालते हैं। आफिक सैकेट इसको मस्ट पिक बनाना है, T20 में 58 मैच में 132 ओवर में 48 विकेट निकाला। रिसेंट परफॉर्मेंस में NS T20 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 4 है, रन है, बॉलिंग नहीं किया। लुकमान हकीमी दोस्तों ये भी आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, 55 मैच में 107 ओवर है, 45 विकेट। मलेशिया में मैंने अक्सर नोटिस किया जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, क्योंकि उनका बॉल बाहर जाता है मुश्किल होते हैं, ज़्यादातर बैटर्स क्या करते हैं क्रॉस बैटर शॉट खेलते हैं, यहाँ पे आपको बहुत कम बैटर्स दिखेगा जो आपको इनसाइड आउट खेलते हुए दिखेगा। क्रॉस बैटर शॉट मतलब लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का बॉल अगेंस्ट द स्पिन शॉट खेलना मुश्किल होता है। हाँ, और इनके पास ना इनका पास ना एक आम बॉल भी होता है। ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स अक्सर दोस्तों डोमेस्टिक में सबसे ज़्यादा तंग करते हुए प्लेयर दिखेंगे। हजीक हैकल 22 मैच 62 ओवर में 19 विकेट है। अकीब जावेद 11 मैच 29 ओवर में 13 विकेट, बॉल फर्स्ट चाहो तो ट्राई कर सकते हो अकीब जावेद और राइट आर्म मीडियम हजीक को, ठीक है। एनएस के प्लेयर्स में आते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो गाइस, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। हम लोग दोस्तों फिलहाल कवरेज ला रहे हैं मलेशिया T20 का, जिसका मैं टीम भी प्रोवाइड करूंगा। डेमो टीम्स मिलेंगे आपको, मिलेगा चंडीगढ़ T20 और ECS के एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको, 100 ओमेंस के मैचेस के कवरेज मिलेंगे टेलीग्राम पे, तो जुड़ सकते हो टेलीग्राम, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। देखो ओपन करेगा एनएस प्लेयर से मोहम्मद अमीर अजीम, ये प्लेयर अच्छा है डोमेस्टिक में, खास करके ज़्यादा अच्छा करता है इंटरनेशनल से। जुबैर जुल्किफ के साथ आमिर खान मिली जाएंगे, फिर दोस्तों दिलावर अब्बास, मोहसिन जमान, सियाजुल इजाद इदरूस, इनका पास जो बॉलिंग यूनिट है ना वो तगड़ा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ इनका बॉलिंग यूनिट तगड़ा है। इनका वीकनेस कहाँ पता है, इनका बैटिंग यूनिट में वीकनेस है, इनका बैटिंग कुछ खास नहीं है, अगर ये टीम बैटिंग फर्स्ट करता है तो फंस सकते हैं, बहुत कुछ डिपेंड करता है जुबैर जुल्किफ के ऊपर। देखोगे तो वैन मोहम्मद विकी में लेने का मतलब नहीं बनता, रिसेंटली T20 में 2 मैच में 22 था, बट स्टिल मैं बिलीव नहीं करता इसको रखना चाहिए। अमीर अजीम दोस्तों 153 मैच में 21 के एवरेज से 1700 रन, 323 ओवर, 126 विकेट, राइट टू राइट ऑलराउंडर है, रिसेंटली T20 में बॉलिंग नहीं किया, इंटरनेशनल में बॉलिंग कमी कराता है बट यहाँ पे जरूर बॉलिंग कराएगा। MCA T20 ट्राई सीरीज जो हुआ था ना दोस्तों, उसमें दोस्तों अमीर अजीम ने अच्छा बॉलिंग किया था, अमीर अजीम ने दोस्तों उसमें 5 मैच में 7 विकेट निकाले थे दोस्तों, सबसे ज़्यादा वीरनदीप का था 4 में 8, 5 में 7 था रिजवान का और अमीर अजीम का, उसके बाद था 5 में 7 सियाजुल इजाद इदरीस का था 5 मैच में 7 विकेट, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। यहाँ पे मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ अमीर अजीम, जो मेरी टीम का कैप्टन बनेंगे, टॉप ऑर्डर प्लेयर प्लस 4 ओवर प्लेयर, 4 ओवर बॉल डालेगा। जुबैर जुल्किफ ये बंदा ना अंधाधुन चलाता है दोस्तों, जब ये चलेगा दोस्तों शतक भी कर सकता है, बहुत ज़्यादा भयानक प्लेयर है बट ये ना अंधाधुन चलाता है और अक्सर आउट भी हो जाता है, कंसिस्टेंसी थोड़े से कम है, हिट और मिस है बट जब हिट होते हैं ना एकदम से ये कैप्टन बन जाएंगे, ऐसे वाला हिट होंगे। आमिर खान मलिक एक अच्छा प्लेयर है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, 81 मैच में 96 विकेट, 209 ओवर, 1000+ रन है, बॉलिंग फर्स्ट हुआ तो ये बहुत बेटर कैप्टन हो जाते हैं क्योंकि ये डेथ में भी बॉलिंग करता है और इसको विकेट मिलता है, मैंने अक्सर नोटिस किया MCA T10 वगैरह मैंने कवर किया उसमें भी इसको विकेट मिल जाता है। आदिशील अलियास 29 मैच 15 ओवर इग्नोर करेंगे, 414 रन है 22 के एवरेज से। अहमद आरिफ यूसुफ अहमद सलमान
T20 मैच में 100 ओवर 34 विकेट फिलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूँ दोस्तों। रिसेंट परफॉर्मेंस में बॉलिंग नहीं है इनका ज़्यादा, बैटिंग से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। अकमल अलीफ बिन जर्नल 66 मैच में 159 ओवर 61 विकेट, बॉल फर्स्ट हुआ जरूर ट्राई कर सकते हो, एक हाई पॉसिबिलिटी से आपको डेथ में करते हुए दिखेंगे। रिसेंट परफॉर्मेंस में 2 बार 3 फॉर है, 1 बार 1 फॉर है, 2 मैच में विकेटलेस। अब्दुल रहमान 5 मैच में 7 ओवर 4 विकेट, मे बी ग्रैंड लीग चॉइस। नवीद आहमेद दोस्तों कोई नहीं ले रहा है, आप ना ग्रैंड लीग में इसको यूज़ करो। T20 में 4 मैच 7 ओवर में 5 विकेट है, T10 में 1-1-0-1 है। इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, नवीद आहमेद ना रिसेंटली जो MS क्या हुआ मलेशिया ट्राई सीरीज हुआ ना सुपर सीरीज, उसमें नवीद आहमेद ने 2 मैच में 4 विकेट निकाला 5 ओवर, ओवर कट हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटीज है। टीम के पास कई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी है, खुद अमीर अजीम जो कैप्टनसी शायद कराएंगे वो भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, यहाँ पे शायद एक और मिलेगा, एक और कहाँ गया नहीं है, तो दोस्तों एक पॉसिबिलिटीज है इसका यार नवीद आहमेद, ये ग्रैंड लीग डिफेंशियल पिक है। क्योंकि मुझे क्या लगता है पता है, ये टीम का बॉलिंग तगड़ा है, अगर बॉलिंग फर्स्ट करेगा तो सही है, अगर ये टीम बैटिंग फर्स्ट करता है ना इनका बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स होगा। नवीद आहमेद, मोहसिन जमान 20 मैच में 21 विकेट 44 ओवर में भी ट्राई करना है तो करो ग्रैंड लीग में। श्यामल ने दोस्तों 48 मैच में 112 ओवर डाला है, 37 विकेट निकाला है, मे बी बॉल फर्स्ट ट्राई करना है तो करो। सियाजराल इजाद इद्रूस 124 मैच T20 में 170 विकेट है बंदे के पास, 366 ओवर है, 690 रन है, ये बंदा इंपॉर्टेंट है सियाजराल इजाद इद्रूस। रिसेंटली दोस्तों 7 विकेट निकाला, एक T20 मैच में 7 विकेट, आई थिंक फर्स्ट कोई बॉलर है, मैं अगर बहुत ज़्यादा गलत नहीं बोल रहा हूँ, बहुत इनका ना वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, कमाल का बॉलिंग किया था, कमाल का ओपोनेंट था दोस्तों, ओपोनेंट शायद 30 रन पे बंडल हुआ था 30-35 में दोस्तों, वो ओपोनेंट ही ऐसा था कि इसको मतलब एकदम होता है ना मुफ्त में विकेट मिलना वो मिल रहा था। हैकल खैर 62 मैच 85 विकेट, कोई नहीं ले रहा है, सिलेक्शन लेस है, ग्रैंड लीग में एक कमाल का डिफेंशियल पिक, स्पेशली देखो ना बॉल फर्स्ट देखो, T20 में MS 0 विकेट 3 विकेट 6 विकेट 4 विकेट, ये बंदा ना अच्छा डिफेंशियल है हैकल खैर। दिलावर अब्बास एक और अच्छा बॉलर, 17 मैच 19 विकेट 140 रन 56 ओवर, ये भी एक अच्छा विकेट टेकर है। इनके पास ना बॉलर का कोई कमी नहीं है दोस्तों, भयंकर भयंकर बॉलर है। मोहम्मद कैसर 30 मैच 35 विकेट 87 ओवर, नंबर ऑफ होल्स वेरी डिसेंट। आसिफ रजा 4 मैच में 6 विकेट 13 ओवर में दोस्तों, शायद अभी इंपॉर्टेंट उतना ना हो। तहसीन सैफ को भी मैं उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। अब चलता हूँ ड्रीम 11 टीम में, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, दोस्तों जुड़ जाओ टेलीग्राम, चलते हैं हम लोग फटाफट ड्रीम 11 टीम में। गाइस फिलहाल ये रहेगा मेरा ड्रीम 11 टीम में, एक प्लेयर का नाम शुरू में बता रहा हूँ, खैर हैकल खैर, ठीक है, अगर खेलता है, मुझे चांसेस कम दिख रहा है, रिसेंटली मैंने इनको खेलते हुए नहीं देखा जब मैं रिसर्च कर रहा था, बट हाँ अगर खेलता है मैं लूंगा। आइनुल हफीज है विकी में, अहमद फैज है, अमीर अजीम मेरा कैप्टन है, क्या है दोस्तों, ए खान मलिक है हमारे वाइस कैप्टन, जुबैद जुल्किफ है हमारे पास, हमारे पास है एल नूर हकीम, बिंदास ड्रॉप करो दोस्तों, अकमल है दोस्तों ड्रॉप कर सकते हो, सियाजुल इजाद मस्ट पिक है, हैकल खैर खेला तो बहुत सॉलिड पिक होगा दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है जो बंदा सिर्फ यहाँ पे आएगा और मेरा टीम कटाक करके स्क्रीनशॉट करके खेल लेगा वो फंस सकता है, मैं मुझे पता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ जो सुनेंगे ना वो दोस्तों फायदे में रहेंगे। हैकल खैर बॉल फर्स्ट जरूर ट्राई करो, जरूर जरूर ट्राई करो, ग्रैंड लीग में कैप्टन ठोको। एसी हैकर हमारे पास है, लुकमान है दोस्तों, डी अब्बास है, बॉलिंग यूनिट इनका तगड़ा है, इनका वीकनेस है इनका बैटिंग यूनिट, अगर ये टीम बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट कर लिया तो इनके बॉलर्स प्ले में आएंगे, मुझे लगता है दोनों एंड से विकेट गिनना चाहिए ऐसा तो मुझे दिख के लग रहा है, बॉल बैटिंग मुझे कुछ खास कभी लग ही नहीं रहा है इनका, मतलब ये सीरीज में कंप्लीटली 4 टीम अगर उठाओ बैटिंग मुझे किसी का खास नहीं लग रहा है, वही एक आधा प्लेयर अहमद फैस इधर से जुबैद जुल्किफ, ये 2 प्लेयर के ऊपर बैटिंग डिपेंड है दोनों टीम का, जो चल गया वो मतलब चल गया, अदरवाइज फंस जाएगा टीम। फिलहाल का इसे रहेगा कवरेज, इस मैच के रिलेटेड कुछ भी और अपडेट हुआ, नेक्स्ट मैचेस के अपडेट्स डेमो टीम शेयर होगा आपके साथ टेलीग्राम पे, दोस्तों जो नए आपको टेलीग्राम, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं मैच टाइम पे।